नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और मैं हूं आपके साथ भानु दीक्षित। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से सदन की सदस्यता खत्म किए जाने को लेकर जारी नोटिस ने सचिन पायलट और उनके साथी बागी विधायकों की मुश्किल बढ़ा दी है। दरअसल संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत स्पीकर को पर्याप्त शक्तियां मिली हुई है और इनके तहत पायलट बहस तो कर सकते हैं लेकिन अंतिम फैसला स्पीकर ही लेंगे। ऐसे में गुरुवार को सचिन पायलट गुट राजस्थान हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट में स्पीकर के नोटिस के खिलाफ याचिका पेश की गई। सूत्रों के अनुसार दोपहर 3 बजे इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। बिल्कुल भानु जी, जिस प्रकार से अगर हम बात करें जो नोटिस सचिन पायलट और उनके साथी बागी विधायकों को दिया गया है, अगर वो मैं नोटिस आपको पढ़ के सुनाऊं तो उसके विषय को लेके पूरे नोटिस की जो पैराग्राफ है वो कम से कम 5 या 6 पैराग्राफ है। लगभग हर पैराग्राफ में ब्रैकेट्स में एक चीज लिखी हुई है, दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता। अब दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता को अगर हम आम भाषा में समझे तो जब आप एक दल से दूसरे दल में जा रहे हैं यानी कि आप अपना दल परिवर्तन कर रहे हैं तो उस आधार पर आपको नोटिस दिया गया है। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि ना तो सचिन पायलट ने और ना ही उन तमाम विधायकों ने जिनके पास ये नोटिस पहुंचा है उनमें से किसी ने भी दल बदला, तो फिर इस नोटिस का औचित्य क्या रह जाता है? बिल्कुल, इसका कोई अभी आप कैसे कह सकते हैं कि दल बदल लिया है, जबकि सचिन पायलट अब तो खुद भी मना कर चुके हैं कि वे किसी दूसरे दल में नहीं जा रहे हैं, वे बीजेपी में भी नहीं जा रहे हैं। और तो और जो उनके साथी विधायक हैं वे ये भी कह रहे हैं कि जो व्हिप हमें दिया है वो किस आधार पर व्हिप दिया है। अभी कोई विधानसभा सत्र चल नहीं रहा है, होटल में हम मीटिंग कर रहे हैं तो व्हिप को कैसे मान लिया जाए, जबकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी खाचरिया वासनी और वो कह रहे हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि व्हिप तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन उस व्हिप को मानने का भी क्या कानूनी आधार है वो थोड़ा समझ से परे है वानु जी। और दूसरा, अगर कानून की यहां पर बात हो रही है, बेसिकली जो दो बड़े गुटों की जो आपसी लड़ाई है अब वो कानूनी दाव पेचों में उलझ कर रह गई है। और अगर कानून की ही बात करें तो कानून जिस प्रकार से एक आम आदमी के ऊपर लागू है वही कानून हर उस व्यक्ति के ऊपर लागू है जिसकी वजह से ये कानून अप्लाई हुआ है। जैसे कि कानून में ही अगर हम बात करें, कानून की भाषा में अगर हम बात करें तो एक कानून खुद भारत सरकार ने, राजस्थान सरकार ने बनाया कि आप किसी भी प्रकार के समारोह में 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। और भीलवाड़ा का एक प्रकरण भानु जी यहां पर मेरे को याद आता है, एक शादी समारोह का जिसमें करीब लाखों रुपयों में जुर्माना लगाया गया। और आज यहां पर क्या हो रहा है, 1 महीने में यही राजस्थान सरकार है 2 बार विधायकों की बाड़ेबंदी के नाम पर 100 से भी ज्यादा लोगों को होटल में इकट्ठा करती है। और आज एक मजेदार किस्सा हुआ, एक विधायक का तो जन्मदिन वहां पर बनाया गया, वो भी 50 से ज्यादा लोगों के ऊपर। तो बिल्कुल, क्या कानून सिर्फ आम आदमी के लिए है? बिल्कुल, कानून किसके लिए है किसके लिए नहीं है ये खुद कानून के जो मुखिया है राजस्थान में उनको तय करना चाहिए। क्या ये कानून नहीं तोड़ रहे हैं यहाँ पर, ये भी एक सवाल उठता है। लेकिन उमंग, अब सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट आज जिन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, अब थोड़ी देर बाद 3 बजे उनकी सुनवाई भी होनी है, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये आधार क्या है, किस आधार पर सचिन पायलट हाईकोर्ट जा रहे हैं, ऐसी वो कौन सी बात है जो उन्हें हाईकोर्ट ले जा रही है और जो उनको बिल्कुल तर्कसंगत लगती है कि हाँ मुझे इस मुद्दे पर, इस बात पर हाईकोर्ट जाना चाहिए और उन्हें वहां से न्याय की उम्मीद है। बिल्कुल वहनु, जिस प्रकार से बात की जा रही है, सचिन पायलट और तमाम और भी विधायकों ने अब हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है जिसकी 3 बजे सुनवाई होनी है, वो लगभग सभी विधायक हाईकोर्ट में जा रहे हैं। और शायद जो उनका आधार है वो यही है कि एक सबसे पहला आधार, जब अभी विधानसभा चल ही नहीं रही है तो पहले तो आपने व्हिप कैसे जारी किया, और दूसरा ये सबसे बड़ा आधार है कि आपने जो नोटिस दिया है, बार बार हम इस बात को भानु दोहरा रहे हैं क्योंकि दल बदल के आधार पर निर्हरता ये जो एक लाइन है यही पर, इसी लाइन की वजह से उस नोटिस का कोई आधार नहीं रह जाता। हो सकता है कि ये 2 सबसे बड़े कारण हो जो सचिन पायलट और उनके खेमे को हाईकोर्ट के दरवाजे को ठकठकाने का अधिकार देते हो। बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये खबर आई कि सचिन पायलट ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर कर दी है और 3 बजे इस पर सुनवाई भी है, उसके तुरंत बाद प्रताप सिंह खाचरियावाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वे ये पूछते हैं कि आखिर गहलोत सरकार का गुनाह क्या था, आखिर गहलोत सरकार की गलती क्या है, वो यहां पर ये पूछते हैं। दूसरा कहते हैं कि व्हिप तो मानना ही पड़ेगा। तीसरी बात, वो अभी भी यही कह रहे हैं कि वोटों से चुनी हुई सरकार को भाजपा नोटों से
गिराना चाह रही है, यानी कि वो अभी भी बीजेपी पर ही यही आरोप लगा रहे हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस के निशान पर आपने चुनाव जीता और आप अब शपथ बीजेपी में जाकर लेना चाहते हैं और यहीं पे शायद निशाना सचिन पायलट पर। बिल्कुल भानु जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि शायद हो सकता है प्रताप सिंह खाचरेवास इतने बुद्धिजीवी राजनीतिज्ञ हैं और वो शायद एक चीज वो यहाँ पर भूल रहे हैं, या हो सकता है कि वो उसे याद ही नहीं रखना चाहते हो, क्योंकि सचिन पायलट और उनके तमाम विधायकों के द्वारा बार बार ट्विटर के जरिए भी और टीवी चैनलों के माध्यम से भी ये चीज बार बार दोहराई गई है कि हमने कांग्रेस नहीं छोड़ी है, हम बीजेपी में नहीं जा रहे। जब उन्होंने खुद ने ही ये बोल दिया तो फिर बार बार बीजेपी खरीद फरोख्त कर रही है, बीजेपी ये सारी गड़बड़ कर रही है, इस प्रकार के आरोप लगाना निराधार है। बिल्कुल, हमारे साथ अनिल जी जुड़ गए हैं, एडवोकेट हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी धन्यवाद जी। अनिल जी, एक सवाल, आज जो राजस्थान की सियासत चल रही है उसमें कभी पलरा गहलोत सरकार का भारी दिखता है, कभी पायलट खेमे का, अब पायलट सचिन पायलट ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि वो अब हाईकोर्ट में उन्होंने अर्जी दिया और शायद 3 बजे उस पर सुनवाई भी है थोड़ी देर बाद, तो किस आधार पर उन्होंने ये अर्जी दी है? जी सर, ये तो अर्जी जो पिटिशन फाइल करी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में 226 जो आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फाइल करी है वहां पे। जी, तो एक ऐसा ही मामला अपने जो कर्नाटक क्राइसिस हुआ था जी, तो वहां पे भी ऐसा ही मामला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा था कि उस टाइम पे जो उन्होंने व्हिप इश्यू किया था ना, वो किया था ड्यूरिंग द जो विधानसभा का सत्र चल रहा था उस समय उन्होंने जारी किया था वो। जी, बट राजस्थान में ऐसा कोई केस बन नहीं रहा अभी, क्योंकि कोई अपना पॉलिटिकल सारा जो एजेंडा है ये सारा कुछ सिर्फ एक बिखराया हुआ मामला है सर। जी, तो फिर किस आधार पर ये कहा जा रहा है अनिल जी कि व्हिप तो मानना ही पड़ेगा, अब जब विधानसभा सत्र चल नहीं रहा, व्हिप जारी कर दिया गया है, ये भी कहा जा रहा है व्हिप मानना पड़ेगा, सचिन पायलट कह रहे हैं कि किस बात का व्हिप, उनके जो साथी विधायक है वो कह रहे हैं भाई व्हिप काहे का, हम होटल में मीटिंग कर रहे हैं, विधानसभा में तो मीटिंग कर नहीं रहे। तो मैं भी यही कह रहा हूं आपसे कि होटल पे अगर कोई मीटिंग कर रहा है तो वो मानने के लिए मेरे हिसाब से बाउंड नहीं है वो चीज मानने के लिए। बिल्कुल अनिल जी, और एक और बात मैं आपसे यहां पर पूछना चाहूंगा, जो नोटिस सचिन पायलट और तमाम 19 विधायकों को जारी किए गए हैं उसमें एक लाइन हर एक पैराग्राफ में लिखी है, विषय में भी लिखी है, और बाकी के जो 4 या 5 पैराग्राफ है हर पैराग्राफ में एक लाइन लिखी है ब्रैकेट के अंदर, दल बदल के आधार पर निर्भरता। अब जब इन्होंने दल बदला ही नहीं है और बार बार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता है, हम कांग्रेस में ही हैं, हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी नहीं है, हम बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे, तो फिर इस नोटिस का ये वाली लाइन जो मैं बार बार क्योट कर रहा हूं, दल बदल के आधार पर निर्भरता, फिर औचित्य क्या रह जाता है इस नोटिस का? इसका कोई औचित्य नहीं बचता फिर, क्योंकि अभी तक ना तो उन्होंने कोई ऐसे प्रूफ वहां पे प्रेजेंट किए हैं जी, तो उसके अकॉर्डिंग तो कोई बनता नहीं है सर। जी अनिल खींची जी, जो अर्जी सचिन पायलट ने अब लगाई है, क्या लगता है इसमें उनको उनके हक में फैसला आएगा, और अगर फैसला उनके हक में आता है तो क्या कुछ फैसला हो सकता है इसमें? जी सर, मेरे को जहां तक लगता है, जहां तक मैंने स्टडी रिसर्च किया इसके मामले में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा आ सकता है पायलट जी के पक्ष में आ सकता है ये। बिल्कुल अनिल जी, और फिर अगर मान लीजिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी आपने भी बताया, आप कानून के ज्ञाता हैं, आपसे बेहतर इस चीज को कोई नहीं बता सकता, व्हिप का आपने बताया कि जो कर्नाटक विधानसभा के समय जो वहां पर राजनीतिक उठापटक हुई थी उसका उदाहरण आपने दिया, तब विधानसभा चल रही थी तब वो व्हिप काम का था, लेकिन राजस्थान में दोनों ही चीजें, एक तो व्हिप और नोटिस, ये दोनों ही चीजें बिल्कुल इसका कोई आधार नहीं दिख रहा है। तो अगर पायलट साहब के हक में ये फैसला आता है तो क्या आपको लगता है आपके हिसाब से कि गहलोत सरकार का अगला कदम हो सकता है कानूनी रूप में? कानूनी रूप से सर या फिर चुनौती दे सकते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट में जी, फिर यही हो सकता है इनके पास में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी अगर ये जाएगा तो क्या लगता है आपको, वहां से भी निरस्त ही होकर आएगा? सर वहां से डेफिनेटली निरस्त होगा ये। जी, तो मतलब अनिल जी हम ये मान सकते हैं कि अपना जो राजनीतिक व्यक्तित्व है उसको ऊंचा रखने के लिए और जल्द से जल्द अपनी छवि ऊंची रखने के लिए जल्दबाजी में इस प्रकार के नोटिस और इस प्रकार का व्हिप जारी किया गया? सर मेरे को भी जहां तक लगता है, देखो वो पॉलिटिकल मैटर है तो उसमें अपना इंटरफेयर करना थोड़ा उचित नहीं मानता जी, मैं जी जी, तो मेरे हिसाब से मैं इसमें कुछ बोलना समझ नहीं पाता। ठीक है, ठीक है अनिल जी, लेकिन लेकिन सवाल ये है कि अभी जोधपुर हाईकोर्ट भी नहीं चल रही है, सुनवाई नहीं हो रही है, जयपुर की भी अभी बंद रही थी जो कोरोना के संक्रमित के चलते, तो आज क्या अगली डेट भी मिल सकती है, मामला आगे भी बढ़ सकता है? सर
सर मामला आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि कल तक का टाइम है इनके पास में रिप्लाई फाइल करने का जी, तो आज हो जाना चाहिए कुछ ना कुछ, अगर होता है तो उस पर नोटिस को स्टे कर देंगे जी। तो फिर अगर इस नोटिस पे स्टे होता है या आज ही अगर इस नोटिस पे फैसला आ जाता है तो इस नोटिस के हिसाब से क्या फिर सचिन पायलट और उनके खेमे के लोग रिप्लाई करने के लिए बाध्य होंगे? जैसा कोर्ट अगर उसे समझे तो सर, फिर अगर कोर्ट कहता है तो रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा फिर उनको जी। लेकिन जब नोटिस का कोई आधार ही नहीं है तो फिर रिप्लाई का आपको क्या लगता है कि कोई आधार रह जाता है? सर आधार तो नहीं रहता पर वो उनके ऊपर डिपेंड करता है जी, ना जी। तो फिर वो पार्टी भी उनके ऊपर कोई प्रिलिमिनरी एक्शन जो भी उनका लेना होगा फिर वो लेगी जी। बिल्कुल अनिल जी, आप हमारे साथ में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भानु, सबसे बड़ी बात और मजे की बात यहाँ पर यह है कि हालांकि सचिन पायलट हाईकोर्ट में जा रहे हैं, 3 बजे उनकी सुनवाई है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि उनका केस आखिरकार लड़ेगा कौन? बीजेपी के जो वकील नेता है वो लड़ेंगे या कांग्रेस के जो वकील नेता है वो लड़ेंगे? नहीं नहीं, वकील उनके तय हो गए हैं, इस पर और ज्यादा प्रकाश डालेंगे। हमारे साथ नीरज जुड़ गए हैं, हमारे विशेष संवाददाता नीरज, जो अर्जी दाखिल की है सचिन पायलट की तरफ से, क्या कुछ उस अर्जी में कहा गया है, क्या कुछ आधार बनाया गया है और कौन वकील है सचिन पायलट की तरफ से? देखिए, ये कुल 19 विधायकों ने, जो भी विभागीय विधायक हैं, इन सभी विधायकों ने मिलकर के ये अर्जी लगाई है। आपको बता दें कि 19 विधायकों की जो याचिका है हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के अंदर लगी है और विधानसभा अध्यक्ष की ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ बापना और सर्वेश जैन जो है उनका इसमें नाम रजिस्टर्ड है, जबकि सचिव राजस्थान विधानसभा और अध्यक्ष सीपी जोशी भी रेस्पोंडेंट की सूची में शामिल है। पृथ्वीराज मीणा यानी पीआर मीणा जो कि विधायक है पायलट खेमे के, इनकी ओर से ये 16/7/2020 यानी आज ही याचिका लगी है। इसका नंबर है CMS 0970/2020 जी। इसके आधार पर ये पूरा जो केस है, इसकी आईए डिटेल्स ये हैं। और आपको बता दें कि जो सब मैटर जो है इसके अंदर, ये केस की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो तमाम विधायकों ने, इंद्राज गुजर है, गजेंद्र सिंह शक्तावत है, हेमाराम चौधरी है, अमर सिंह है, ब्रजेंद्र ओला है, मुरन लाल है, सचिन पायलट है, मुकेश कुमार भाकर, राकेश पारिक, हरीश मीणा, रमेश चंद मीणा, तमाम जो विधायक हैं इन्होंने मिलकर के ये पूरी याचिका लगाई है। याचिका की जो लिस्टिंग जो है वो अभी इसकी सुनवाई कुछ ही देर के अंदर होने वाली है। अगर सरकारी पक्ष की हमने बात करी थी, ये सरकारी पक्ष की ओर से पृथ्वीराज मीणा जो है, पीआर मीणा विधायक जिन्होंने याचिका लगाई है, इनकी ओर से एडवोकेट है दिव्येश माहेश्वरी जी। तो ये दिव्येश माहेश्वरी इनके वकील रहेंगे पृथ्वीराज मीणा की ओर से, जबकि जो स्पीकर की ओर से सिद्धार्थ बापना जो है उनको वकील लगाया गया है, साथ ही सर्वेश जैन उनके साथ में मौजूद रहेंगे। विधानसभा के सचिव जो है वो भी रेस्पोंडेंट के रूप में वहाँ विधान जो हाईकोर्ट है वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही आपको बता दें, ये भी जानकारी मिल रही है कि सरकार की ओर से जो है, सरकार की ओर से भी पूरे मामले के अंदर पक्ष रखा जा सकता है, सरकार की ओर से भी जो है इसके अंदर एडवोकेट जो है, एडवोकेट को तैयार किया गया है, जो AG हैं वो इस दौरान मौजूद रह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से भी जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर जरूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अपना जो वकील है वो इसमें, अभिषेक मनु सिंघवी या वरिष्ठ वकील जो है वो इसके अंदर पैरवी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के जो केस है, केस इस वक्त हाईकोर्ट के अंदर 3 बजे ये लिस्टेड किया गया है। और महत्वपूर्ण बात यह है, इसके अंदर सीधे तौर पर यह बताया गया है, जो नोटिस दिया गया है, इस नोटिस को चुनौती दी गई है जो विधानसभा अध्यक्ष की ओर से, सचिवालय की ओर से जारी किए गए हैं। इसमें इन विधायकों ने, आपको पूरी जो फाइल है, पूरी फाइल तो अभी निकल के नहीं आ सकती क्योंकि मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, लेकिन निष्पक्ष रूप से अगर बात करें तो इन विधायकों ने यही चुनौती दी है कि जो नोटिस दिए गए हैं वो दिया जाना कानूनी रूप से गलत है, संवैधानिक रूप से गलत है। और उनका कहना यह है कि जो व्हिप जारी हुआ वो व्हिप जो है उसी की लीगल मान्यता को उन्होंने चुनौती दी है कि वो लागू। बिल्कुल नीरज जी, अगर हम बात करें, अभी कुछ ही देर पहले हमारे साथ एक हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी जुड़े थे, उनसे भी हमने इस व्हिप और जो नोटिस जारी किया गया है उन दोनों के ही कानूनी पहलू की हमने बात करी। उन्होंने साफ तौर पर कहा, उन्होंने कर्नाटक विधानसभा के में जो सियासी उठापटक हुई थी उसका उन्होंने उदाहरण दिया कि उस समय जो व्हिप जारी किया गया था तब वहां की विधानसभा वर्किंग थी, वहां की विधानसभा चल रही थी, और जो नोटिस जो दिया गया है उसके बारे में जब हमने पूछा, उस नोटिस में ब्रैकेट में एक चीज, एक वाक्य लिखा हुआ है कि दल बदल के आधार पर निर्भरता, जबकि ना तो सचिन पायलट ने और ना ही उन 19 विधायकों ने दल बदला है।
बल्कि बार बार उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम कांग्रेस में ही हैं, हमने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, हमने कोई नया दल हमने नहीं बनाया। तो एक तो बड़ी बात यह कि जो व्हिप दिया गया है इस समय विधानसभा चल नहीं रही, तो फिर उस व्हिप का क्या औचित्य रह जाता है और उस व्हिप के बारे में क्यों यह बोला जाता है कि व्हिप दिया है तो मानना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। अरे जब विधानसभा चल ही नहीं रही तो व्हिप का फायदा क्या है? दूसरा, नोटिस में जो आपने वाक्य लिखा है दल बदल के आधार पर निर्भरता, तो दल तो जब बदला ही नहीं है तो उस नोटिस का भी क्या औचित्य रह जाता है? क्या आप ये मानते हैं कि ये दोनों ही चीजें जल्दबाजी में लिए गए निर्णय है? उमंग, जहां तक मेरी कानूनी समझ है मैं आपको बता दूं, दोनों आपने प्रश्न इसके अंदर जोड़े हैं। पहला जो प्रश्न था वो था विहिप जारी करने के औचित्य को लेकर के। कांग्रेस विधायक दल की जब बैठक बुलाई जाती है, विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री होते हैं, और जब मुख्यमंत्री बैठक बुलाते हैं सीएम हाउस के अंदर वो बैठक बुलाई गई थी, और बैठक कहीं पर भी हो सकती है, चाहे विधानसभा के अंदर हो या विधानसभा के बाहर हो। और जब विहिप जारी हो जाता है तो सभी विधायकों को उसकी पालना करना अनिवार्य होता है। ऐसे में निश्चित रूप से व्हिप की पालना विधायकों को करनी थी, और एक बार भी नहीं दूसरी बार भी दोबारा से विधायक दल की बैठक बुलाई गई, अल्टीमेटम जो है वो दिया गया। तो पूरी तरीके से व्हिप तो जो अगर बात करें तो व्हिप जो जारी किया गया पार्टी की ओर से वो तो पार्टी के हिसाब से वैध है, लेकिन कानूनी जानकार तो कुछ और चीज बता रहे हैं नीरज जी। यहाँ पर जो कानून के जानकार है, जो वकील है, जो अधिवक्ता है, वो तो कुछ और बता रहे हैं। देखिए कानून के वकील का जो कहना है उनका अपने स्तर पर ये कहना है कि व्हिप विधानसभा अगर सदन चल रहा हो उस वक्त अगर व्हिप की पालना नहीं हो, लेकिन विधायक दल की बैठक यदि बुलाई जाती है, नीरज यहां आपको रोकेंगे, नीरज रोकेंगे हम आपको यहां पर। हमारे साथ कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग भी जुड़ गए हैं। गिरिराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी गिरिराज जी, आप तक आवाज आ रही है हमारी? हाँ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी गिरिराज जी, मैं उबग माथुर और हमारे साथ में हमारे सहयोगी भानु दीक्षित भी मौजूद हैं। भानु दीक्षित जी आपसे सवाल करेंगे। जी गिरिराज जी, आज जो सचिन पायलट जो उन्होंने हाईकोर्ट में अर्जी दी है वो किस आधार पर दी है? क्या ये जो विहिप उनके लिए जारी किया गया, जो नोटिस उनके लिए जारी किया गया, क्या वो उसे वैध नहीं मानते? देखिये निश्चित रूप से विधायक दल की बैठक जो होती है वो अधिकृत रूप से जब पार्टी का मुख्य सचेतक जो होता है वो नोटिस निकालता है, विधायक दल की बैठक कहीं भी हो सकती है। बिल्कुल। और विधायक दल की बैठक के अंदर जो पार्टी व्हिप जारी होती है, पार्टी व्हिप का यदि कोई सदस्य उल्लंघन करता है तो निश्चित रूप से पार्टी ना उसके खिलाफ एक्शन लेती है। जी, और ये नोटिस जो दिया है उसी के तहत दिया है। अब लीगल स्थिति हाईकोर्ट में क्या होगी वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है ये तो स्पष्ट है। जी, और पार्टी व्हिप के उल्लंघन करने के कारण उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई बनती है। जी गिरिराज जी, जिस प्रकार से आपने बताया, अभी हमारे संवाददाता नीरज भी यही बात कह रहे थे कि विधायक दल की बैठक जब भी होती है और मुख्यमंत्री खुद उसमें होते हैं तब ये व्हिप कहीं से मान्य, इसको हम मान सकते हैं, ठीक है, व्हिप की पालना नहीं की गई तो जो पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई है उसके लिए वो कार्रवाई हो सकती है, लेकिन जो नोटिस दिया गया है उस नोटिस में ये लिखा गया है कि दल बदल के आधार पर निहरता, और ये कम से कम ये वाक्य एक नहीं बल्कि 4 से 5 बार लिखा गया है, तो सचिन पायलट जी और उनके खेमे की तरफ से बार बार ये चीज की गई है कि हमने तो दल छोड़ा ही नहीं है, हमने कोई और दल ज्वाइन भी नहीं करा है और ना ही हमने कोई दल बनाया है, तो फिर इस नोटिस का कानूनी आधार क्या रह जाता है? नहीं, कानूनी आधार ये रह जाता है कि पार्टी के अंदर जब सामूहिक रूप से आपने व्हिप का उल्लंघन किया, एक व्यक्ति दो व्यक्ति नहीं है जी, मतलब 19 व्यक्तियों ने जब एक योजना बना के पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है। जी गिरिराज जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोक रहा हूँ गिरिराज जी, मैं व्हिप की बात नहीं कर रहा, गिरिराज जी मैं व्हिप की बात नहीं कर रहा, जो नोटिस जारी किए गए हैं उस नोटिस में ये लाइन कहीं पर भी नहीं लिखी कि पार्टी की ओर से व्हिप जारी किया गया था, आपको बुलाया गया था लेकिन आप नहीं आए, ये उस नोटिस में कहीं पर नहीं लिखा। नहीं नहीं, नोटिस तो विधानसभा अध्यक्ष ने जारी किए ना। जी मैं उसी नोटिस की बात कर रहा हूँ गिरिराज जी, ये पार्टी ने, संसदीय दल ने, पार्टी के जो मुख्य सचेतक है उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष को अपना वर्जन जो लिख के दिया है उसके ऊपर विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस जारी किए हैं। तो गिरिराज जी, क्या आप भी मानते हैं कि जो नोटिस जारी किया गया है, जी बिल्कुल, जो 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 नोटिस जारी किया गया है गिरिराज जी, यहाँ पर उस नोटिस का औचित्य क्या निकलता है, क्योंकि दल तो उन्होंने बदला ही नहीं है? नहीं निश्चित रूप से ये तो विधानसभा अध्यक्ष का ना कार्य क्षेत्र है ना जी, ये तो विधानसभा अध्यक्ष को जो पार्टी ने शिकायत की है
कांग्रेस संसदीय दल ने जो शिकायत की है, तो ये तो पार्टी के जो विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, पार्टी की शिकायत के ऊपर उनको निर्णय करना है। तो पार्टी ने यही शिकायत करी ना, जो पार्टी ने शिकायत करी वही विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिया, इसका मतलब पार्टी की शिकायत भी गलत हो गई यहाँ पर। नहीं नहीं, गलत कहाँ हो गई, तो दल तो उन्होंने बदला ही नहीं गिरिराज जी। जी दल तो उन्होंने बदला ही नहीं। नहीं दल नहीं बदला, लेकिन सामूहिक रूप से योजना बना के उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन तो किया ना। तो गिरिराज जी मामले में गिरिराज जी की वो बीजेपी में जा चुके हैं या बीजेपी ये योजना बनवा रही है? नहीं नहीं गिरिराज जी देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं। एक बात जो आपने बताया व्हिप का पालन नहीं किया उसके खिलाफ पार्टी एक्शन लेगी, बिल्कुल वो एक बात बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नोटिस की, जो जैसा कि आपने ही बताया कि पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष से जो शिकायत करी, जो पॉइंट उन्हें बताया, उस आधार पर विधानसभा स्पीकर ने नोटिस जारी किया और उस नोटिस में कहीं पर भी ये चीज नहीं लिखी कि आपने व्हिप का पालन नहीं किया, बल्कि उसमें यह लिखा है दल बदल के आधार पर निर्भरता। और हमारा व्हिप की मैं बात नहीं कर रहा गिरिराज जी, व्हिप की आपने बात बता दी वो ठीक है, वो समझ में आ गई, वो उसको एक बार अलग रखते हैं, लेकिन नोटिस में जो चीज लिखी गई है मैं उस नोटिस की बात कर रहा हूं। जब ना तो सचिन पायलट ने और ना ही उन 19 विधायकों ने दल बदला है, तो फिर इस नोटिस का क्या औचित्य रह जाता है? आपने कहा वो विधानसभा अध्यक्ष का कार्य क्षेत्र है, लेकिन उनको शिकायत पार्टी ने करी है, इसका जवाब मैं चाह रहा हूं। नहीं पार्टी ने शिकायत की है, पार्टी ने जो पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया उसकी जो ना वर्जन जो दिया है, अभी तो विधानसभा अध्यक्ष को देखना है ना। तो जो आप मेरे से जवाब चाहते हैं ये तो विधानसभा अध्यक्ष देंगे, लेकिन गिरिराज जी शिकायत तो पार्टी ने करी है, ये पार्टी से संबंधित तो रहा नहीं ना। नहीं तो गिरिराज जी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष को क्या बताया कि उन्होंने दल बदल लिया है? ये तो विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे ना। नहीं गिरिराज जी देखिए, हम आपसे सीधे तौर पर ये पूछ रहे हैं, आप पार्टी ने जो व्हिप जारी किया उन्होंने नहीं माना, उन्होंने गलत किया, ये हमने मान लिया, ये आपने समझा भी दिया। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं, आपने ही कहा है कि पार्टी ने शिकायत करी है और उस आधार पर विधानसभा स्पीकर ने वो नोटिस दिया है, तो क्या पार्टी ने विधानसभा स्पीकर को ये बोला है कि उन्होंने दल बदल लिया? देखिए निश्चित रूप से जो लिख के दिया है वो आपको मुख्य सचेतक महेश जोशी जी जो है वो आपको विस्तृत रूप से बता सकते हैं, लेकिन जो पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया, पार्टी गिरिराज जी आप फिर पार्टी व्हिप पे आ गए, हम पार्टी व्हिप की बात ही नहीं कर रहे, हम पार्टी व्हिप की बात ही नहीं कर रहे गिरिराज जी। जानकारी में नहीं है ना, उसमें क्या परिभाषा लिखी गई है? जी ठीक है, ठीक है गिरिराज जी, बिल्कुल नहीं है आपकी जानकारी में ये चीज नहीं है, ठीक है। हम हमारे संवाददाता नीरज से जानना चाहेंगे, नीरज जो नोटिस दिया गया है उसमें ये दल बदल वाली बात क्यों सामने आ रही है, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, क्यों दल बदल के आरोप लगा दिए गए? नोटिस जो दिया है शायद मुझे लगता है शायद गिरिराज जी समझा नहीं पाए होंगे, जो नोटिस दिया गया है उसमें दल बदल निर्भरता जो है वो प्रावधान है, वो जो प्रावधान दे रखा है उसका हवाला दिया गया है, वो एक प्रावधान बना हुआ है, उसके तहत बहुत सारे क्लॉज आते हैं, वो सारे विस्तृत जो क्लॉजेस हैं उनका हवाला नहीं दिया जाता। एक जैसे मान लो एक कोई कानून बना हुआ है तो उसके तहत क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी, यानी पार्टी व्हिप का उल्लंघन करना भी जो होता है वो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है, तो इन सारी चीजों का परीक्षण जो है वो राजस्थान हाईकोर्ट को आज करना है। तो जज साहब जो है वो आज इस चीज को देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स उस अधिनियम के तहत आते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से कानूनी एक चीज है, तो इसके अंदर कौन कौन से ये जो निहर्ता जो अहर्ता चेक करनी है कि इन्होंने अहर्ता जो है वो पूरी करी नहीं करी, निहर्ता का जो कानून जो लागू होता है इसमें कौन कौन से पॉइंट शामिल है, उसके अंदर बहुत सारे क्लॉज जो है वो उसके अंदर डाले गए हैं, तो उन क्लॉज का अध्ययन जो है वो विधिक रूप से जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी तरफ से दलीलें रखेंगे, सरकार की ओर से जो राज्य विधानसभा है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से भी अपनी राय रखी जाएगी, और दूसरे पक्ष की ओर से भी जो पायलट खेमा है उनकी ओर से भी अपना पक्ष रखा जाएगा, दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद ही माननीय राजस्थान हाईकोर्ट जो है उसकी सिंगल बेंच अपना डिसीजन आगे सुनाएगी। जी बिल्कुल नीरज जी, जैसा कि आपने भी कहा और अभी गिरिराज जी भी हमारे साथ जुड़े होते, खैर पार्टी व्हिप की तो बात एक बार को समझ में आती है, लेकिन इस नोटिस की बात गले नहीं उतरती, क्योंकि इस नोटिस में कहीं पर भी नहीं लिखा गया, पूरा नोटिस हमारे पास है, नोटिस की एक एक लाइन हमने पढ़ी है, अगर कुछ क्लॉज लिखने थे तो वो भी उसमें लिखे जा सकते थे। खैर अभी अलग बात है, 3 बजने ही वाले हैं और कुछ ही देर में हाईकोर्ट में इस नोटिस के बारे में, पार्टी व्हिप के बारे में और जो तमाम आरोप लगाए गए हैं उनके बारे में सुनवाई होनी है, सुनवाई के बाद काफी कुछ तस्वीर यहां पर साफ हो जाएगी। आप दोनों ही हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बिल्कुल, तो पायलट की अब कोर्ट में लैंडिंग हो चुकी है, यानी कि अब सुनवाई होने वाली है कुछ ही मिनटों में, और सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है उसके बाद तस्वीर साफ होगी, और फिर उसके बाद सचिन पायलट का अगला कदम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।